हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की सभी तैयारियां पूरी। 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम व दूसरे राजस्व अधिकारियों को दिए आदेश। 4 सप्ताह के भीतर मामलों का निपटारा करने के दिए निर्देश। प्रदेश में बिजली का बिल जमा न करवाने पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कड़ी कार्रवाई के आदेश किए जारी। बिना नोटिस काटे जाएंगे बिजली के कनेक्शन। 15 दिसंबर तक जमा करवाने होंगे लंबित बिल। हिमाचल में हिमफेड ने खरीदा 44,000 मीट्रिक टन सेब। एजेंसी ने सेब सीजन में बागवानों से की 68 लाख रुपए के सेब की खरीद। बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार 9,000 मीट्रिक टन अधिक सेब खरीदा। कांगड़ा एयरपोर्ट का 2 चरणों में होगा विस्तार। पहले फेज में 1900, दूसरे में 3110 मीटर तक की लंबाई पर होगा काम। प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा। विश्व दिव्यांग दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। ऊना में दिव्यांग बच्चों ने खुले कार्यक्रम का किया आयोजन। लघु नाटिका के माध्यम से दिव्यांगता पर लोगों को इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का किया आह्वान। हमीरपुर में विश्व विकलांगता दिवस पर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के दर्जनों दिव्यांगों ने लिया भाग। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम साफ। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य की कुछ ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ा ठंड का प्रकोप। प्रदेश में 7 दिसंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना।